राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश स्तर की वार्ता रद्द होने के बाद पाक अपना आपा खो बैठा है। वार्ता से भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान तो इस हद तक तिलमिला गए कि वो अपनी मर्यादा ही खो बैठे और उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो आने वाले समय में पाकिस्तान को ही भारी पड़ेगी। इमरान खान ने वार्ता रद्द होने का ठीकरा पीएम मोदी के सिर पर फोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए भारत के इस कदम को अहंकारी बताया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। शांति वार्ता फिर से शुरू किए जाने के लिए मेरे आह्वान पर भारत के अहंकारी और नकारात्मक रुख से निराश हूँ। हालांकि मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है कि छोटे लोग बड़े पदों पर आसीन रहे हैं और उनके पास बड़ी तस्वीर देने का दृष्टिकोण नहीं है। इमरान के इस बेहुदा ट्वीट पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी समेत विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी पाक के इस रवैये पर इमरान को लताड़ लगाई। जाहिर है इमरान खान के इस ट्वीट का दोनों देशों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में भी बातचीत की संभावनाएं भी कमजोर हो गईं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें न्यूयॉर्क में होने वाली यूएनजीसी की बैठक के दौरान विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के लिए पहल की थी, लेकिन भारत ने ये कहकर इस वार्ता को रद्द कर दिया कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ जहां इमरान बातचीत के लिए बाहें फैलाने का ढोंग रच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर बीएसएफ के जवान के साथ बर्बरता होती है। पाक समर्थित आतंकी 3 पुलिसकर्मियों को अगवा कर मार डालते हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद विदेश मंत्रालय ने वार्ता रद्द करने का फैसला लिया। टू डिस्कस टेररिज्म नाउ इट इज ऑब्वियस दैट बिहाइंड पाकिस्तान प्रपोजल फॉर टॉक्स टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग द इविल एजेंडा ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स एक्सपोज्ड एंड द ट्रू फेस ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज बीन रिवील्ड टू द वर्ल्ड इन हिज फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन ऑफिस। एनी कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान इन सच एन एनवायरमेंट would be meaningless. In view of the changed situation, there will be no meeting between the foreign ministers of India and Pakistan in New York. भारत शुरू से ही आतंकवाद पर लगाम लगाने के बाद बातचीत का पक्षधर रहा है। आतंकवाद पर बिना कुछ किए ही इस वार्ता का ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान ये संदेश देने में कामयाब रहता कि वो शांति चाहता है, जबकि हकीकत ये है कि वो पाक सेना के हाथ की कठपुतली मात्र है जो कहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है।